हेलो एवरीवन, एसके मैकेनिकल टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइप में 45 डिग्री में कटिंग करके कैसे फिटिंग किया जाता है, इसका मार्किंग और फार्मूला और कटिंग करके मैं दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसेस देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 इंच का हेडर पाइप है और 8 इंच का पाइप है, जो इसमें 45 डिग्री में टैपिंग करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 इंच का हम सेंटर लाइन मारेंगे हाफ करके। 136.5 mm आएगा, जो ओडी को हाफ करेंगे 273 को। यहाँ पे मैं मार्किंग कर दिया। और 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 273 जिसका ओडी है उसमें 3.141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 857.49 आएगा। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे जो 107 आएगा। 45 डिग्री के लिए 8 से डिवाइड करेंगे और ये मार्किंग से हम प्लम एक डालेंगे और जो फ्लांच है वहाँ से इसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका डिस्टेंस 360 mm आया। और बाकी का हम क्या करेंगे, जो फ्लांच है इसका हम सेंटर लाइन निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये होल है वो क्रॉस में हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको एक लाइन मारेंगे और सेम इस प्रकार से, ताकि इसका एक सेंटर लाइन निकल जाए। यहाँ पे सेंटर लाइन हो गया और ये सेंटर लाइन से और जो पाइप का जो 45 डिग्री में करना है, इससे वाटर लेवल की सहायता से इसका हाइट हम निकालेंगे। मैं पहले से निकाल लिया हूँ और इसका हाइट आया है 280 mm। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 10 इंच का जो हेडर पाइप है और ये 8 इंच का टेपिंग करना है, जो पाइप में 45 डिग्री में कटिंग करके और यहाँ पे ब्रांच कटिंग करना है। तो इसका जो हाइट आया था, यहाँ पे आया था, ये आया था 280 mm हाइट, और यहाँ से और यहाँ तक का सेंटर से डिस्टेंस आया था 360 mm। तो ट्रेवल पीस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 280 mm है इसमें 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 395.92 mm। और इसमें हम 48 mm प्लस कर देंगे जो 444 mm आएगा। ये 48 mm इसलिए हम प्लस कर रहे हैं ताकि हमको यहाँ पे ब्रांच कटिंग करना है। तो चलिए 45 डिग्री के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री के लिए 8 इंच का जो पाइप है, 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओडी, तो 10 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका ओडी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 mm आएगा कटबैक। और ये 90 mm को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 mm कटबैक आएगा। अगर जो एक ही पाइप में लास्ट से कटिंग कर रहे हैं तो 90 mm करना पड़ेगा, अगर जो बीच से कटिंग करना है तो 90 को डिवाइड करेंगे 45 mm कटबैक आएगा। और यहाँ पे 16 सेंटर लाइन के लिए सूत्र होता है साइन डिग्री इंटू कटबैक, जो कटबैक आएगा 45 mm, तो साइन 67.5 डिग्री और ये जो कटबैक है 45 डिग्री, तो इसका कटबैक 41.5 और साइन 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे 31.81 आ जाएगा। और 22.5 अंश का निकालेंगे तो ये कटबैक आएगा और 90 के लिए 45 डिग्री आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 90 डिग्री, 67.5 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो चलिए अभी मैं मार्किंग करके पाइप पे आपको दिखा देता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए।
यहाँ पे हम 444 पे एक रेप राउंड मारेंगे, 8 इंच के पाइप में। रेप राउंड मारने के बाद से यहाँ पे हम पाइप को फिक्स करके एक सेंटर लाइन मारेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मार्किंग हो गया, और यहाँ पे स्पीड लेवल की सहायता से हम स्पीड लेवल को फिक्स करके एक मार्किंग करेंगे। याद रहे कि पाइप फिक्स होना चाहिए, पाइप इधर उधर रोटेट नहीं होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से एक आगे भी क्या करेंगे, एक मार्किंग करेंगे। और ये जो दोनों पॉइंट है, इसको हम स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रा करेंगे। ये सेंटर लाइन है, और इसके जो CF में 16 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया था 53.61 mm। तो यहाँ से हम बारी बारी से क्या करेंगे, हम 16 सेंटर लाइन मार लेंगे। अभी 16 सेंटर लाइन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 45 mm पे एक मार्किंग करेंगे, और जो सेकंड है 67.5, इसमें 41.57 पे, और ठीक इसके अपोजिट भी बगल में 41.57 mm पे एक मार्किंग करेंगे। और इसके बाद से 45 डिग्री के लिए 31.81 mm, सेम इसी प्रकार से इस साइड में भी 31.81 जो कट बैग आया था, और लास्ट 22.5 इंच के लिए 70.22 mm पे ये मार्क करेंगे। और इस साइड में भी सेम इसी प्रकार से हम मार्किंग करेंगे। और ये लास्ट में पॉइंट आ जाएगा आपका 0। सेम इसी प्रकार से हम अपोजिट में भी मार्किंग कर लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, पट्टी की सहायता से
जो भी पॉइंट है इसको हम थोड़ा राउंड करते हुए मिला देंगे। अब ये मेरा मार्किंग थोड़ा गलत हो गया था, इसको हम 17 mm पे मार्किंग करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट से लेके और इसमें 0 में हम जो सेंट्रल जो रेप राउंड मारा हुआ है इसको हम मिला देंगे। चलिए हम इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी हम मार्किंग कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, कटिंग सेट की सहायता से इसको कटिंग कर देंगे।